हेलो पीपल, मैं हूं भरत आचार्य। वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज हम सीखने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक 8085 सीरीज में। इसको बोलते हैं DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। करेक्ट। ये सुनते ही बहुत सारे बच्चे बुक टर्न कर देते, बोलते ये हमसे नहीं पढ़ा जाएगा। ऐसे कुछ नहीं है, बहुत सिंपल और बिल्कुल इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इसको जब मैं पढ़ाऊंगा, मैं आपको इसके रियल वर्ल्ड यूज के साथ पढ़ाऊंगा कि इससे हमें क्या फायदा मिलता है। जब आप एक सॉन्ग ट्रांसफर करते हो वो इतना फास्ट कैसे होते हैं, एक मूवी ट्रांसफर करते हो इतना फास्ट कैसे होते हैं, वो इसलिए होते हैं कि बैकग्राउंड में DMA ऑपरेशन रन होते हैं। DMA का मतलब है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। चलो स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा म्यूपी 8085, ये है मेमोरी, ये है IO, और इन सबको कनेक्ट करता हुआ सिस्टम बस। सिस्टम बस में कौन से बसेस होते हैं बताओ? एड्रेस बस, डेटा बस, कंट्रोल बस। बोलो ये बसेस को कंट्रोल कौन करते है? म्यूपी। म्यूपी को बोलते हैं बस मास्टर। ये वर्ड याद रखना, ये बार बार आंसर में लिखा जाएगा। बस मास्टर मतलब वो डिवाइस जिसके हाथ में बस का कंट्रोल होता है। एड्रेस बस में क्या एड्रेस जाएगा, डेटा बस में डेटा किस तरफ पास होएगा, कौन सा कंट्रोल सिग्नल दिया जाएगा, ये जो डिवाइस डिसाइड करता है उसको बोलते हैं बस मास्टर। क्या मेमोरी बोलेगा कौन से एड्रेस पे ऑपरेशन होना है? नहीं। क्या प्रिंटर बोलेगा मेरे साथ प्रिंट करो? नहीं। बोलेगा कौन? म्यूपी। तो म्यूपी है बस मास्टर, वो ये सिस्टम को कंट्रोल करता है। ठीक है। जब हमको डेटा ट्रांसफर करना है ये सिस्टम में, डेटा मेमोरी से म्यूपी में जा सकते हैं, म्यूपी से मेमोरी में आ सकते हैं, IO से म्यूपी में जा सकते हैं, और म्यूपी से IO में आ सकते हैं। ये चारों ऑपरेशंस को टेक्निकली क्या बोलते हैं? बोलो जरा, बोलो। नहीं आते तो फिर ये वीडियो बंद करो और पहले पीछे के वीडियोस देखो। करेक्ट। बेसिक्स मालूम करो फिर बड़े टॉपिक सीखो। इनको बोलते हैं मेमोरी रीड। हाँ याद आया, मेमोरी राइट, IO रीड, IO राइट। ये चार है सबसे बेसिक मशीन साइकिल्स। हर एक्टिविटी ये चार मशीन साइकिल्स के थ्रू ही होती है। टाइमिंग डायग्राम्स में हमने ये चारों के इंडिविजुअल टाइमिंग डायग्राम्स बनाए और फिर इनको कंबाइन करके इंस्ट्रक्शंस के टाइमिंग डायग्राम बनते हैं। सो माय पॉइंट इज, जो मैं कहना चाहता हूं वो ये है कि या तो डेटा इधर से इधर जाएगा या इधर से इधर, या इधर से इधर या इधर से इधर। तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर हमें डेटा डायरेक्टली ट्रांसफर करना है बिटवीन मेमोरी एंड IO, तब क्या करें? अब रियल वर्ल्ड में बताता हूं इसका मतलब क्या है। आपका मार्क्स, आपने एक मार्कशीट बनाई है, एक्सेल फाइल, वर्ड फाइल, जैसे भी ब्यूटिफाई करके नाम एटसेट्रा एटसेट्रा, सब्जेक्ट मार्क्स, सब्जेक्ट मार्क्स लिखे हुए, ये आपने फाइल बनाई है। अब आपको ये मार्कशीट प्रिंट करना है। क्यों? क्योंकि आप बड़े प्राउड हो अपने मार्क्स से, अच्छे स्कोर्स आए, तो आपको ये प्रिंट करके दुनिया को दिखाना है, देखो मैंने क्या लाया। अब मार्क्स स्टोर्ड है मेमोरी में, प्रिंट करना है प्रिंटर में। हमने अभी तक जितना ये सब्जेक्ट सीखा है उसके हिसाब से डेटा पहले मेमोरी से म्यूपी में जाएगा, फिर म्यूपी से IO में आएगा। देखो बताओ, क्या हम ये डेटा को प्रोसेस कर रहे हैं? क्या प्रिंट करते वक्त मार्क्स इंक्रीज हो जाते हैं? नहीं। अगर होते हैं तो फिर अच्छी बात है, फिर जाना चाहिए ना प्रोसेसर के पास, हर चीज को 10 से ऐड करके फिर इधर भेजो। मगर ऐसे तो नहीं होते, जो हमारे मार्क्स है, जो सच्चाई है, वही बाहर आती है। तो जब डेटा चेंज नहीं हो रहे तो फिर वो प्रोसेसर के पास क्यों जाए? सिंपल बात है, जब हम प्रोसेस ही नहीं कर रहे हैं, हम एक गाना ट्रांसफर कर रहे हैं अपने हार्ड ड्राइव से एक पेन ड्राइव में, एक मूवी ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ प्रिंट कर रहे हैं CD में, कुछ ट्रांसफर कर रहे हैं नेट पे, कुछ भेज रहे हैं, सो ऑन, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। इनमें हम डेटा को सिर्फ ट्रांसफर करना चाहते हैं, हम प्रोसेस तो करना ही नहीं चाहते, तो फिर डेटा प्रोसेसर के पास क्यों जाए? क्यों ना डेटा डायरेक्टली जाए? अगर ये डायरेक्टली जा पाएगा तो इसमें हमारा 2 साइकिल के बदले 1 साइकिल लगेगा, तो ऑपरेशन फास्टर होगा। ये डायरेक्ट ट्रांसफर को बोलते हैं DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। पहले बोलो DMA क्या होता है, समझ में आया? इसका मीनिंग है, इसका डेफिनेशन है ट्रांसफरिंग डेटा डायरेक्टली बिटवीन मेमोरी एंड IO। ऐसे मत बोलना फ्रॉम मेमोरी टू IO, क्योंकि ये उल्टा भी हो सकता है। ट्रांसफरिंग डेटा डायरेक्टली बिटवीन मेमोरी एंड IO विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द म्यूपी इज कॉल्ड डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इसका फायदा क्या है? पहला फायदा, ट्रांसफर फास्ट होता है। अच्छा, कितना फास्ट होता है? हमको ऐसे लगता है इसमें 2 साइकिल लगने वाले थे, अब 1 साइकिल लगेगा, तो 2 गुना फास्ट होता है। नहीं, ये 2 गुना नहीं, ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है, क्योंकि म्यूपी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो मतलब प्रोग्राम की जरूरत नहीं है, ये हार्डवेयर बेस्ड ट्रांसफर होते हैं। ये बात आपको आगे जाके और डिटेल में समझ में आएगी। प्लस इसमें म्यूपी फ्री होता है दूसरे काम करने के लिए, सो इससे डबल एडवांटेज मिलते हैं। वो कैसे मिलते हैं, जब ये टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ये था कॉन्सेप्ट कि ये DMA होता क्या है। ये ऐसे ही नहीं हो जाएगा, अगर ऐसे ही हो पाता तो फिर ये वीडियो ही नहीं होता। ये करने के लिए एक नया डिवाइस लगता है, वो डिवाइस को बोलते हैं DMAC, DMA कंट्रोलर।
चिप नंबर 8237 या तो 8257। कोई कॉलेज 8237 पढ़ाता है, कोई कॉलेज 8257 पढ़ाते हैं। 90% दोनों सेम है, इक्का दुक्का पॉइंट्स में डिफरेंस है। बट बेसिक आंसर ये जो पूरा हम पढ़ने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डीएमए, चैनल कंपोनेंट्स, प्रायोरिटी मेथड्स, ट्रांसफर मेथड्स, ये सब सेम है भले 8257 हो या 8237 हो। तो बस वो जो डिफरेंस है वो मामूली है, मेन टॉपिक दोनों का सेम है। अब डीएमए कंट्रोलर क्यों लगते हैं? वो इसलिए लगते हैं कि मेमोरी एंड आयो एक दूसरे के साथ डायरेक्टली ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ट्रांसफर करने के लिए दोनों में से किसी एक को बस मास्टर बनना पड़ेगा और दोनों की कैपेबिलिटी नहीं है बस मास्टर बनने की। ना तो मेमोरी डिसाइड कर सकते हैं कौन से एड्रेस से ट्रांसफर होना चाहिए, कौन सा फाइल प्रिंट होना चाहिए। यू थिंक क्या हमारा हार्ड डिस्क डिसाइड करेगा आज हम कौन सी पिक्चर देखने वाले हैं? नहीं, वो तो हम डिसाइड करेंगे। ना ही कोई आयो डिवाइस ट्रांसफर डिसाइड कर सकते कि हाँ मेरे साथ ट्रांसफर होना चाहिए, वो हम डिसाइड करेंगे। स्पीकर ऑन होना चाहिए कि नहीं, मॉनिटर पे डेटा आना चाहिए कि नहीं, प्रिंट होना चाहिए कि नहीं, वो हम डिसाइड करते हैं, हम मतलब यू भी। तो मेमोरी और आयो में ये कैपेबिलिटी नहीं है कि वो बस मास्टर बने। तो अगर हम चाहते हैं कि डेटा डायरेक्टली ट्रांसफर हो इन दोनों के बीच में, तो एक मास्टर लगेगा, वो मास्टर होता है डीएमए कंट्रोलर। डीएमए कंट्रोलर ये सिस्टम का चार्ज लेते हैं। म्यूपी की तरह ये एड्रेस जनरेट करेगा, ये कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा, कौन? डीएमए कंट्रोलर। मगर जिस चीज में फर्क है, जब म्यूपी ट्रांसफर करते हैं तो म्यूपी डेटा लेते हैं फिर भेजते हैं, डीएमए कंट्रोलर डेटा डायरेक्टली ट्रांसफर करेगा। डेटा डीएमए कंट्रोलर के अंदर नहीं आएगा, वो खाली एड्रेस और कंट्रोल सिग्नल जनरेट करके डायरेक्टली ट्रांसफर करवाएगा। तो जो चीज दो साइकिल में होनी चाहिए थी वो एक साइकिल में होगी। प्लस जो मैंने दूसरी बात बोली थी कि म्यूपी जब ट्रांसफर करते हैं तो प्रोग्राम लगते हैं, प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस होते हैं, इंस्ट्रक्शंस को फेच डीकोड करना पड़ता है जिसमें बहुत टाइम लगता है, और जब ट्रांसफर कर रहे हैं तो एक लूप में ट्रांसफर होते हैं, मतलब वही इंस्ट्रक्शंस बार बार फेच डीकोड होके ट्रांसफर होते हैं। तो ट्रांसफर से ज्यादा टाइम इंस्ट्रक्शंस को फेच डीकोड करने में लगते हैं, क्योंकि वो म्यूपी है। जब डीएमए कंट्रोलर ये करते हैं तो ये म्यूपी तो नहीं है, इसको इंस्ट्रक्शंस नहीं लगते हैं। म्यूपी ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई 8085 तो मल्टीप्लाई नहीं करेगा, मगर प्रोग्राम के थ्रू तो हम वो भी करवा सकते हैं, डिवाइड भी करवा सकते हैं, एंड और एक्स और बहुत कुछ कर सकते हैं। तो म्यूपी को कुछ भी करने के लिए इंस्ट्रक्शन लगते हैं, क्योंकि वो बहुत कुछ कर सकते हैं, तो हमको बताना पड़ता है कि क्या करना है। डीएमए कंट्रोलर म्यूपी नहीं है, ये एक ही चीज कर सकते हैं डीएमए ट्रांसफर, तो उसको ये बताने के लिए इंस्ट्रक्शन नहीं लगेंगे, वो बनाई गया है डीएमए ट्रांसफर करने के लिए, तो इसको प्रोग्राम नहीं लगते। प्रोग्राम नहीं लगता मतलब फेच डीकोड एग्जीक्यूट में टाइम नहीं लगता। बोलो, बात समझ में आई? इसकी वजह से ट्रांसफर बहुत फास्ट होता है। तो डीएमए कंट्रोलर सिस्टम का चार्ज लेता है, बोलते हैं मैं करूंगा ट्रांसफर, और डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफर करके देते हैं। तो इससे फायदा यह होता है कि ट्रांसफर सुपर स्पीड, सुपर फास्ट ट्रांसफर चलता है। और कुछ कुछ ऐसे मोड्स हैं डीएमए कंट्रोलर के जिसमें ये ट्रांसफर के दौरान म्यूपी कुछ और काम कर सकते हैं, तो इससे डबल फायदा होता है। एक तो हाई स्पीड ट्रांसफर चालू है, प्लस म्यूपी फ्री है कुछ और करने के लिए, जिसका सिंपल मतलब है जब आप कुछ सॉन्ग ट्रांसफर कर रहे हो या पेन ड्राइव पे कुछ ट्रांसफर कर रहे हो तो माइक्रोसॉफ्ट एक फ्लाइंग फाइल दिखाता है, बराबर है, जब तक वो ट्रांसफर चलते रहते हैं। इसका ये मतलब तो नहीं है कि हम बैठ के वो फाइल देखते रहेंगे, हमें लाइफ में और भी काम है, हम वो विंडो को मिनिमाइज करके कुछ और करते हैं। वो क्यों करते हैं? क्योंकि डीएमए मेथड यूज हो रहा है, म्यूपी ट्रांसफर नहीं कर रहे, डीएमए कंट्रोलर ट्रांसफर कर रहे हैं, म्यूपी फ्री है दूसरा काम करने के लिए। ये हर मेथड में नहीं होता, ये आंसर ऐसे ही मत लिख देना, कुछ कुछ मेथड्स में ये पॉसिबल है, कुछ कुछ में नहीं है। जो मैं सिखाने वाला हूँ डीएमए ट्रांसफर मेथड्स, एक इंग्लिश में कहावत है, लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, आधी चीज लिख समझ के ये मत समझ जाना मेरे को चीज आ गई और वो आंसर लिख देना एग्जाम में, फिर वो गलत हो जाएगा। पूरी बात समझोगे तब बात पल्ले पड़ेगी, फिर करेक्ट आंसर लिखोगे एग्जाम में, ठीक है? तो आज के वीडियो में हम ये डीएमए ऑपरेशन डिटेल में सीखेंगे, फिर ये जो सारे चैनल कंपोनेंट्स हैं जो हमें सब लिखने हैं आंसर में, उनके बारे में सीखेंगे। डीएमए का प्रायोरिटीज कैसे काम करता है वो सीखेंगे। आप सोच रहे होंगे कि डीएमए में प्रायोरिटी क्यों लगती है? लगती है, नहीं होती तो फिर हम इसकी बात ही नहीं करते। इसमें अलग अलग प्रायोरिटी मोड्स है, जैसे 8259 में होते थे। और फिर फाइनली डीएमए के ट्रांसफर मेथड्स, ये एक्चुअली मैं दो में वीडियो में बनाने वाला था, बट मैं सोचा दो वीडियो के बदले इसको कंप्रेस करके एक ही वीडियो में बना देते, छोटे छोटे टॉपिक्स है। तो जो ट्रांसफर मेथड्स है वो हम सीखेंगे, जिसमें बड़े बड़े इंटरेस्टिंग मेथड्स है, ब्लॉक ट्रांसफर, साइकिल स्टीलिंग। जब क्लास में ये नाम लिखते हैं बच्चे हंसना चालू करते थे, कौन सी साइकिल चोरी हो रही है? हाँ सच्ची में साइकिल चोरी हो रही है, मगर वो वाली साइकिल नहीं, म्यूपी की साइकिल्स। डिमांड ट्रांसफर उससे भी खतरनाक, और ट्रांसपेरेंट मोड। ट्रांसपेरेंट मोड कोई कोई डीएमए कंट्रोलर करते हैं, कोई कोई नहीं करते, तो आप ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, मगर ये तीन तो लिखने हैं। चलो एनीवे, ये था ये पूरे वीडियो का समरी। अब आपको अगर ये पूरा वीडियो सीखना है, पूरा 8085 सीखना है मजे से और अच्छी तरह से सीखना है,
कम ऑन माई वेबसाइट www.bharataacharyaeducation.com, लिंक नीचे दिया हुआ है। जब आप वहां पे क्लिक करते हो, पहले अपना यूजर अकाउंट बनाओ, कोर्सेज सारे उधर आपको दिखेंगे, 8085, 8086, 386, Pentium में बहुत सारी चीजें पढ़ाता हूँ, तो उसमें से 8085 वाला हिंदी वाला कोर्स सिलेक्ट करना। इंग्लिश वाला कोर्स तो बहुत पहले से बना हुआ था, हिंदी कोर्स अभी बस कंप्लीट होने जा रहे हैं, कुछ ही वीडियोस बाकी है। anyway, तो हिंदी वाला कोर्स सिलेक्ट करना, उस पर फिर सब्सक्राइब बटन क्लिक करना, सामने आपको पेमेंट बोलेगा। जैसे ही आपने फीस भर दी, कोर्स आपका इमीडिएटली आप स्टार्ट कर सकते हो वीडियोस देखना। ये कोर्स आपके पास 6 महीनों के लिए अवेलेबल होगा। इसमें हर वीडियो के साथ आपको मिलते हैं PDFs। जैसे ही वीडियो देख रहे हो, सामने सामने एक लिंक आता है व्यू नोट्स, जब भी चाहिए उसको क्लिक करो, उसका पूरा PDF खुलेगा। तो वीडियो से आप टॉपिक समझते हो, PDF से आप वो देखते हो जो आपको एग्जाम में लिखना है, जो आपके बने बनाए प्रॉपर आंसर्स विद सर्किट डायग्राम्स विद एक्सप्लेनेशन, जो भी आपको लगेगा, मतलब और कोई स्टडी मटेरियल की जरूरत नहीं है। प्लस आपको मिलते हैं PDFs ऑफ वाइवा क्वेश्चन, प्लस आपको मिलते हैं PDFs ऑफ MCQs, जिनको हम बार बार अपडेट करते रहते हैं, उसमें नए नए क्वेश्चंस ऐड करते हैं। अभी रिसेंटली कुछ कॉलेजेस के एग्जाम खत्म हुए तो उसके क्वेश्चंस आते हैं, जैसे जैसे हमको कोई नया इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलता है वो उसमें हम ऐड करते हैं। इसमें हम हायर लेवल के भी क्वेश्चंस ऐड करते हैं। गेट का प्रिपरेशन, गेट में ऑफिशियली उन्होंने 8085 निकाल दिया है, मगर COA है और बहुत टॉपिक CO और 8085 के कॉमन है। ये पूरा का पूरा टॉपिक CO में भी है, तो भले 8085 निकाला है, CO है, मतलब ये पूरा का पूरा टॉपिक, और इसमें हर चीज जो मैं बताने वाला हूं वो गेट के लिए भी इंपॉर्टेंट है। प्लस नॉट ओनली गेट, गेट तो एक एग्जाम है, ऐसे तो बहुत सारे ISRO है, BARC है, गवर्नमेंट जॉब एग्जाम्स है, हायर लेवल एजुकेशन के एग्जाम्स है, सब में 8085 पूछते हैं। तो उन सब से लेकर जहां जहां से हमको इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मिलते हैं वो हम MCQs में ऐड करते रहते हैं, तो आपको वो भी मिलेगा। वाइवा क्वेश्चंस भी मिलेंगे जो अपडेट होते रहते हैं। नोट्स तो हम ऑल द टाइम अपडेट करते रहते हैं, एवरी टाइम यू सी द नोट्स यू विल सी समथिंग न्यू, कोई नया कमेंट मैंने लिख दिया, कोई नया टिप लिख दिया, एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग पॉइंट। एनीवे, प्लस उसके साथ आपको मिलता है मोस्ट इंपॉर्टेंटली डायरेक्ट एक्सेस टू मी, टू योर टीचर। जब भी आपको डाउट हो, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मुझे मैसेज करो, जैसे ही मैं फ्री होऊंगा रिप्लाई करूंगा। कभी कभी उसी वक्त रिप्लाई कर दूंगा अगर मेरे हाथ में फोन है, मैंने देख लिया, नहीं तो बाय एंड ऑफ डे घर पे जाके मैं सबका मैसेज का रिप्लाई करता हूं पक्का। ठीक है, hope to see you there, wish you all the best, do well.